प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से नगर के कंपोजिट विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परिषदीय स्कूलों में निर्धारित मानक पूरे करने वाले 19 ग्राम प्रधानों और 23 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तहसीलदार कमलेश कुमार, विकास खंड अधिकारी अशोक कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी अजहर आलम ने चयनित प्रधानों और शिक्षकों को शील और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित प्रधानों में बाबू हुसैन ग्राम बीरमपुर, नेम सिंह ग्राम करसरा, टीनू चौधरी ग्राम गवारव, हदीस बेगम सिहाली माला, पंकज यादव मलहपुर जुन्नू, मोहम्मद इस्लाम खावरी, अव्वल हिरेंद्र यादव पिपली चक आदि शामिल रहे। वहीं पंकज कुमार, ममता रानी, मुनेश देवी, मुस्तकीम, महेंद्र पाल सिंह, सतपाल चौधरी, जुल्फिकार हुसैन, सतीश कुमार, फरत अली, राज बहादुर महजबी, सतेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, संजय विशाल आदि शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आयोजन चूंकि सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि अगर श्रोता ही न हो जिसके लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है, अगर वही नहीं हो, व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी हो, तो मेरी नजर में बिल्कुल बेकार। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी प्रतिभागियों का, हमारे अतिथिगणों का, कि आकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कल्प से ही लेता हूं, कल्प में काम जो हुए हैं वो बिल्कुल पैरामीटर सही है जो हमने रिपोर्टिंग की है। ये बात बिगर है कि बाउंड्री नीची है, तो जो विभाग के मानक है उसके अनुसार वहां पहले बाउंड्री बन चुके हैं। अब जो नए बाउंड्री बने हैं उसमें काफी जो ऊंचाई है 6 फीट रखी गई है, जबकि अपने विभाग से जो भी बाउंड्री बने हुए हैं वो 4 फीट ऊंचाई के हैं, क्योंकि मानक वही था 4 फीट का, उसको आप ना नहीं मान सकते। बाकी रही जीर्णोद्धार की बात, तो वो ग्राम पंचायत से जैसे उनके बजट जितना होता है वो जीर्णोद्धार कराते हैं। मैं इसके लिए सभी ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी से लेकर के ग्राम प्रधानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मीटर हमारा सबसे बर्निंग है वो है टाइलीकरण कक्षा कक्षों का और फर्नीचर व्यवस्था। टाइलीकरण चूंकि बड़ा बजट होता है, उसको हम विद्यालय की जो संसाधन है या शिक्षा विभाग से इसके लिए कोई धन प्राप्त नहीं है, तो ये हम पूरे के पूरे ग्राम पंचायत पे ही डिपेंड करते हैं। अभी जहां तक फर्नीचर की बात है, फर्नीचर का निविदा का काम चल रहा है, बिडिंग का काम चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द जिन विद्यालय में फर्नीचर नहीं है वहां भी फर्नीचर की आपूर्ति हो जाएगी। मैं पंचायत विभाग से ये अनुरोध जरूर करूंगा कि कायाकल्प में जो 19 पैरामीटर है उसमें जो पैरामीटर असंतृप्त की बात नहीं कर रहा, संतृप्त तो है लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं का मतलब जैसे मल्टीपल हैंड वॉश है उसकी टोटियां टूट गई हैं,